नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिस्तर न्यूज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बापा के दरबार में चंद्रयान 3 की ऐसी झांकी बनाई गई है जिसे देखकर आपको भी लगेगा कि आप अपनी खुली आंखों से अंतरिक्ष का यह पूरा नजारा देख रहे हैं। अब तक आपने कई गणेश पंडालों में चंद्रयान 3 की झांकी देखी होगी, लेकिन यहाँ चंद्रयान के साथ विक्रम लैंडर और चांद की भी झांकी देखने को मिल रही है। ये झांकी किसी पंडाल में नहीं तो चंद्रपुर के खुटकाला परिसर में रहने वाले सुहास निवारी ने अपने घर में बनाई है। सुहास निवारी के घर में पिछले 64 सालों से गणेश की स्थापना की जाती है और हर साल बापा की सजावट में इसी तरह अलग अलग विषयों पर झांकी भी बनाई जाती है। सुहास के घर में झांकी देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटती है। सुहास ने बताया कि चंद्रयान 3 की सफलता हमारे लिए गर्व की बात है, इसलिए इस बार चंद्रयान 3 की झांकी बनाने का सोचा है। यह बापा की मूर्ति आकर्षण तो है ही, साथ ही चंद्रयान 3 की जो झांकी बनाई गई है वह सबका मन मोह लेने वाली है। इस झांकी में चंद्रयान बनाया गया है जो कि लॉन्च होते हुए अंतरिक्ष की ओर जा रहा है। पीछे बैकग्राउंड में पूरा अंतरिक्ष का नजारा देखने को मिल रहा है। बैटरी के सहारे इस चंद्रयान को चलाया जा रहा है। यहाँ सिर्फ चंद्रयान ही नहीं तो विक्रम लैंडर और चांद की भी झांकी बनाई गई है। विक्रम लैंडर चांद की चारों ओर घूमते हुए दिखाई दे रहा है, साथ ही बापा की मूर्ति के पास पृथ्वी भी गोल घूम रही है। यह पूरा नजारा देखकर मानो आपको भी ऐसा लगेगा कि आप खुली आंखों से अंतरिक्ष का यह पूरा नजारा देख रहे हैं। बापा के दरबार में घर में बनाई गई यह झांकी पूरे परिसर में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इस झांकी को देखने के लिए बड़ी संख्या में जुट रहे हैं। जवळपास माझं नाव सुहास नेवारे, सुहास अशोक नेवारे। जवळपास आमच्या गणपतीला झाले 64 वर्ष। माझ्या आजोबाच्या काळापासून हा गणपती आम्ही मांडून राहिलो। समोर माझ्या वडिलांनी पुढं नेले, आता आम्ही माझा भाऊ आणि मी आम्ही पुढं नेऊन राहिलो। तरी पण यावेळेस आपल्या देशासाठी एक प्राऊड मुमेंट आहे की आपला देश हा चंद्रयानच्या चंद्रावर पोहोचला आहे। तर त्या पद्धतीचा मी देखावा करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि पहिल्यांदा फर्स्ट टाइम आपलाच देश हा दक्षिण ध्रुवावर पोहोचला आहे। बाकीचे आतापर्यंतचे जे पण चायना आणि रूस आणि अमेरिका वगैरे गेले आहे त्यांनी पण गेले नाहीत दक्षिण ध्रुवावर, पण आपला देश हा गेला। तर हे समोरच्या आता जे नवीन जनरेशन आहे त्याच्यात मी पण येतो, पण माझ्या पण छोटे असणार, त्यांना पण थोडा प्रेरणा वगैरे मिळावा त्या पद्धतीचा प्रयत्न केला आणि या पद्धतीचा देखावा केला। तसं चंद्रयान हा रॉकेट हा थोडा वर जाते आणि खाली येते या पद्धतीचं दर्शवण्यात आलं आहे। आणि चंद्राभोवती हा विक्रम लँडर फिरून राहिला आणि हे एक सेकंड। आणि विशेष म्हणलं तर आपले गणपतीची मूर्ती हे चंद्रावर जशी विराजमान आहे त्या पद्धतीचं दर्शवण्यात आला। आणि एक फोर्थ म्हटलं तर पृथ्वीचा एक देखावा दाखवला आहे, या पद्धतीचा प्रयत्न केला। NBC न्यूज के लिए चंद्रपूर से सुनील ताड़े की स्पेशल रिपोर्ट।
गोंदिया जिले के सालेकसा तालुका में जामड़ी से निम्बा मार्ग पर नाकाबंदी कर सालेकसा पुलिस ने एक वाहन में बेरहमी से पीटी गई सात गाय को बचाया। इस मामले में 5,70,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। जिले में अवैध धंधों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जिले में पुलिस की कार्यवाही जारी है। सालेकसा पुलिस ने भी कार्य योजना शुरू की। सालेकसा पुलिस को सूचना मिली कि निम्बा से जामड़ी रोड पर एक वाहन में पशुओं को बंद किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। इसी दौरान MH40CD3407 क्रमांक का ट्रक आया। जब इसकी जांच की गई तो 70,000 रुपए कीमत की पशु मृत अवस्था में मिली। लिहाजा पुलिस ने 70,000 रुपए के पशु और 5,00,000 रुपए के ट्रक समेत कुल 5,70,000 रुपए का माल जब्त कर लिया है। सालेकसा पुलिस ने आरोपी अरजाब असबाक शेख कुरेशी और वसीम सलीम खान इनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। बीसीएन न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। गोंदिया जिले में गणेश उत्सव के माध्यम से कई आकर्षक साज सज्जा के माध्यम से ज्ञान आकर्षित करने का काम कर रहे नागरिकों का ऐसा ही नजारा जिले में देखने को मिल रहा है। गोंदिया शहर में रहने वाले सुमित जंगली ने अपने घर को सजाकर केदारनाथ यात्रा की झलक दिखाई है, इसलिए इलाके के लोग इस नजारे को देखने आ रहे हैं। गोंदिया शहर में रहने वाले सुमित जंगाली ने अपने घर के गणेश जी की सजावट में केदारनाथ यात्रा का आकर्षण दृश्य बनाया है और इस सीन में उन्होंने केदारनाथ यात्रा के रास्ते सड़क पर चलने वाली कारों, पैदल चलने वाले खच्चर और हेलीकॉप्टर का पूरा सीन क्रिएट किया है। इसके अलावा आसपास के बर्फ से ढके क्षेत्र ने नागरिकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने घरेलू गणेश को विभिन्न रंगों में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृतियों से सजा है। हालांकि खास बात यह है कि उनके घर पर पिछले 58 सालों से गणपति उत्सव मनाया जा रहा है और हर साल गणपति को नए कॉन्सेप्ट से सजाया जाता है। मागील आपले 58 वर्षापासून गणपती देखावे पूर्ण करत आहोत आपण। केदारनाथ यावर्षी केदारनाथ देखावा पूर्ण केलेला आहे आपण। यावर्षी आपला हा 58 वर्ष आहे। आणखी समोरच्या वर्षी आणखी नवीन नवीन काही देखावे तयार करणार आम्ही। केदारनाथ मध्ये जिथं केदारनाथचे मंदिर आहे तिथपर्यंत आपली लोकांची चढाई कशी होते, पायी पायी होते, बर्फ राहते, कोणी गाडीने येते, कोणी पायी पायी जाते, कोणी खिचरने जाते, कोणी हेलिपॅडनी सेवाने जाते, त्यापर्यंत हेलिपॅडची सरकारने हेलिपॅडची सेवा पण केलेली आहे। आपण ते पण देखावे आपल्या देखाव्यामध्ये केलेला आहे पूर्ण। मिशन न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। भारत सरकार के रेलवे प्रशासन द्वारा इस समय स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इसकी शुरुआत 16 सितंबर से हो गई है और यह स्वच्छता पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत रेल मंडल के महाप्रबंधक आलोक कुमार और DRM नमिता त्रिपाठी गोंदिया रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे और रेलवे ट्रैक पर कूड़ा कचरा और प्लास्टिक की बोतलें साफ की है। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए लोगों को साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा। गोंदिया रेलवे के स्काउट एंड गाइड द्वारा गोंदिया रेलवे स्टेशन पर नागरिकों को संदेश देने के लिए नुक्कड़ नाटक दिखाया गया। रेलवे को कैसे स्वच्छ रखा जाए ताकि हम अपनी और अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सके, इसका आयोजन किया गया है और संदेश दिया गया है कि लोगों को भी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और जन जागरूकता पैदा करके अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए। 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हर वर्ष भारतीय रेल स्वच्छता पखवाड़ा मनाती है। न केवल खुद रेलवे इंटेंसिव सफाई करती है बल्कि स्वच्छता के बारे में जागरूकता भी फैलाती है। आज उसी के तहत जो रेलवे की टीम थी उसने यात्रियों की जागरूकता के लिए यहाँ पर स्वच्छता के बारे में नुक्कड़ नाटक पेश करा, जिसे काफ़ी जो यहाँ पर यात्री थे उन्होंने देखा। निश्चित तौर पर इस जागरूकता से सबको फायदा होगा। साथ ही साथ आज का थीम जो था इंडियन रेलवेज का था स्वच्छ पटरी, उस पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर पटरी पर जो गंदगी के और गिरे हुए पीसेस थे वो निकाल के उठाए और साफ करा। मिशन न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। स्थानीय सिविल लाइन समाज सेवी गणेश हेम ने इनके 30वें स्मृति दिवस पर महात्मा फुले रोग निदान शिविर, मुक्त दवाई वितरण तथा मेरे छात्रों का सत्कार किया गया। अवसर पर पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल, जिलाध्यक्ष यशुलाल उपराड़े, विजय शिवनकर, नेत्राम कटरी, गज्जू फुंडे, संजय कुलकर्णी, रचना गहाने, भावना कदम, सुनील तरुणे आदि प्रमुखता से उपस्थित थे।
इस अवसर पर गणेश हेम ने इनके कार्य की अतिथियों ने पूरी प्रशंसा कर प्रसाद वितरण किया। संचालन चंद्रभान तरुण ने किया और समाज सेवक गणेश हेम ने स्मृति में रोग निदान शिविर समाज सेवी व मेरिट छात्रों का। क्योंकि 1996 में जब जिला बना तो उस जिला होना चाहिए इसके लिए महादेव राव जी के तरफ सतत पाठ पुरावा करने वाले कुछ अग्रणी लोग थे, उनमें से एक गणेश जी हमने थे। मैं उनके साथ में रहता था और बाद में भी भारतीय जनता पार्टी के, जैसे कि हमारे मार्गदर्शक निजाम जी ने बताया कि शुरुआत से ही वे काफ़ी भारतीय जनता पार्टी को तैयार करने में काफ़ी मेहनत किए। सगळे कार्यक्रमामध्ये उपस्थिती आपली दर्शवून आपले कार्यकौशल्य दाखवून त्यांनी सगळ्या क्षेत्रामध्ये काम उभं केलं आणि म्हणून ते आमच्याकरता श्रद्धेय आहेत। मी गणेशभाऊच्या स्मृती ज्या ज्या आमच्या आठवणीत आहेत त्या निश्चितपणे चिरकाल आमच्या आठवणीत राहतील आणि त्यांच्या पदचिन्हावर त्यांच्या परिवाराने आम्ही सगळे जे भारतीय जनता पार्टीचे लोक आहोत ते निश्चितपणे जाऊ आणि हीच मी त्यांना श्रद्धांजली अर्पित करतो। धन्यवाद। और इसलिए चंद्रभान भाऊ आज का दिन कोई दुख का दिन नहीं है। गणेश भाऊ को जरूर जो उन्होंने जन सामान्य की सेवा की है प्रभु के चरणों में स्थान मिला होगा और उसी परंपरा को आपका परिवार भी आगे बढ़ाता रहे इस बात की आशा करता हूं। और एक बहुत ही लोगों के बीच में जीने वाले एक सामान्य कार्यकर्ता से एक सामान्य काम करने की क्षमता रखने वाले हमारे मृदुभाषी गणेश भाऊ के स्मृति को अभिवादन करते हुए भ्रमण करता लेली है आणि त्यांचे जे विचार जनसामान्यापर्यंत होते त्यांच्या या विचाराला अनुसरून या ठिकाणी त्यांची मुलगा आणि त्यांची सून या पण माझ्या बरीच परिचयाचे आहेत। त्यांनी हा या ठिकाणी त्यांचा स्मृती दिनानिमित्त आरोग्य शिबिर आयोजित केला, या अनुषंगाने मी त्यांना सुद्धा शुभेच्छा देतो आणि त्या शिबिराचं। बीसीएन न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। गोंदिया लायंस डिस्ट्रिक्ट रीजन 6 के 1 जून में शामिल 5 लायंस क्लबों का सफल प्रशिक्षण एवं नेतृत्व प्रशिक्षण प्रेसिडेंट पार्सन प्रज्ञा मेहता के मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एमजे बगबीर सिंह विज की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर पूर्व गवर्नर राजेंद्र बग्गा, चंद्रकांत सोनटक्के, सीए विनोद जैन, हरीश गुप्ता, राजेश कन्नौजिया, वरिष्ठ लायंस मुरलीधर मोहरे सहित अन्य कोच, लायंस क्लब, पंचो क्लब के सदस्य आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। प्रशिक्षण के बाद अतिथियों को स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया गया। उत्साह है कि हमको लीडरशिप करनी है, हमको आगे आना है, लेकिन जब हमारे पास एक 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 ही तैयार है इसका मतलब है कि वो कॉम्पिटिशन की भावना नहीं है। हम सोचते हैं कि अरे आप इसको बनने दो अगले साल देखेंगे, इसको बनने दो अगले साल देखेंगे। ये जो लीडरशिप की का जो अकाल पड़ रहा है वही चैलेंज है। सामाजिक संस्थाओं में लीडरशिप का अकाल एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये लीडरशिप क्यों ऐसे इस तरह से हो रहा है कि लीडरशिप और CLLI प्रोग्राम की विधिवत रूप से शुरुआत यहाँ पर हो रही है, जिसके लिए मैं जो चेयरपर्सन प्रज्ञा मेहता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि एक अच्छी अटेंडेंट के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, क्योंकि यह एक ही जोन का कार्यक्रम है और इतनी अच्छी अटेंडेंस जो है वो बता रही है कि आपने इसके ऊपर कितनी मेहनत करी है। बीसीएन न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। हिंदी समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज़। नमस्कार।